ब्लॉक नूरपुर के हेल्थ वेलनेस सेंटर में जिले का पहला NQAS स्टेट असेसमेंट किया गया, जो PHC सदमा के अंतर्गत आता है। इस असेसमेंट को करने के लिए एक टीम जिसमें डॉक्टर अभिलाष सूद, HOD कम्युनिटी मेडिसिन हमीरपुर मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर रमन DPO ऊना आए हुए थे। इसी के DPO धर्मशाला डॉक्टर दीपिका भी मौजूद रही। इस असेसमेंट से हमें अपने क्षेत्र में बेहतरीन सेवाएं प्रदान कर पाएंगे। कोपडा हेल्थ वेलनेस सेंटर ने अपनी बेहतरीन सेवा देने को लेकर इस वर्ष जिला कांगड़ा में प्रथम स्थान का दर्जा हासिल किया है। नूरपुर ब्लॉक BMO डॉक्टर दिलवर सिंह ने कहा कि हमारे नूरपुर ब्लॉक में नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस की असेसमेंट हो रही है, जिसमें हमारे दो सेंटर कोपड़ा और थोड़ा भलून में स्टेट लेवल की टीम आई हुई है, वह असेसमेंट करेगी। यह क्वालिटी एश्योरेंस चेकिंग की जाती है, अगर यह क्वालिफाई होते हैं तो यह नेशनल लेवल में चुनी जाएगी। 24 से 25 जुलाई को दो सेंटरों में असेसमेंट की जाएगी। इसमें अस्पताल की कार्यप्रणाली, साफ सफाई से लेकर लोगों को दी जा रही सुविधा तथा उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, यह सब चीज़ें देखी जाती हैं। जी सर, ये जो कोपड़ा हेल्थ वेलनेस सेंटर पे जो कार्य चला हुआ है, इसके बारे में जानकारी देंगे जी? आज हमारे नूरपुर ब्लॉक में नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस की असेसमेंट हो रही है, जिसमें हमारे दो सेंटर जो हैं वो सब सेंटर कोपड़ा और थोड़ा ब्लू स्टेट लेवल में की टीम आएगी, वो असेस करेगी उसमें अगर, और ये क्वालिटी एश्योरेंस चेक की जाती है, और अगर ये क्वालिफाई होते हैं तो फिर नेशनल लेवल पर कम्प्लीट करेंगे। तो आज 24 को और 25 को दो सेंटर की ये स्टेट की टीम आई हुई है, वो असेस करेगी नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। इसमें क्या क्या चीज़ें विशेष देखी जाती हैं जी? सर, पूरे इंस्टीट्यूट की इसमें कार्य प्रणाली जिस पे काम करते हैं उसका मूल्यांकन किया जाता है, मतलब इवैल्यूएट किया जाता है कि हम किस स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम सफाई टू लोगों की पेशेंट्स की दवाई के तक। हिमाचल प्रेस न्यूज़ के लिए कांगड़ा से ब्यूरो संजीव महाजन की रिपोर्ट।